अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। आज हम उन शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि हम लोगों की तरह इंसान ही हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते, उन्हें वो राइट्स नहीं मिलते जो उन्हें मिलने चाहिए, जबकि वो भी अल्लाह की मखलूक ही हैं। तो आज की मेरी शाम उनके साथ ही है, तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे साथी फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन चलाई जा रही है जो कि अल्लाह पाक ने इनके ज़िम्मे काम लगाया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब लोगों में राशन वगैरह भी तकसीम किए जा रहे हैं, जो अल्लाह पाक ने इन्हें तौफीक दी हुई है। उस हवाले से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, और जबकि इन लोगों को भी हम जैसे राइट्स मिलने चाहिए लेकिन वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो भी जानेंगे। तो चलिए बातचीत का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इमाम साहब मौजूद हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त अब जिस तरह रमज़ान है, और माशाल्लाह जब हम लोग आए हैं उस वक्त आप माशाल्लाह दुआ कर रहे थे, किस मदरसे में आप इमामत करते हैं? जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पहला मदरसा है, उसका नाम है उम्मती, कि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। बेशक, कोई इसमें शक नहीं है, सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उम्मती हैं। तो आप ये किस तरह काम कर रहे हैं, इमामत करते हैं, माशाल्लाह कैसा आपको ये लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे ये ख्वाजा साहब का जितना तबका है सारे अल्लाह वाले होते हैं, बस क्योंकि माहौल है, मामला है, कमाना खाना भी साथ ही है, नाच गाने की इनकी मामला भी हैं और शोबिस के भी मामला हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से साथी माशा नमाजी हैं, अल्लाह सुबहाना तआला ने, क्योंकि ये नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी सीखते हैं हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत है, ये भी चाहते हैं कि हम लोग हमें इज्जत दें। देखो, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आप मेरे नबी की उम्मती हो। हाँ, तो ख्वाजा सरा होना तो एक शोभा है ना, है ना, लेकिन लोगों का जहन में पता नहीं इनके मतलब क्या था, और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमने इनका कभी जनाजा नहीं देखा, हमने कभी इनको ख्वाजा सरा के कोई मामला नहीं देखे कि कहाँ फोत होते, कहाँ दफनाते हैं इनको। तो मैं कहता हूँ जी आप मेरे पास आए। हाँ, मेरे पास मैं, हमने कितने ख्वाजा सराओं को गुसल दिया, उनको कुरान सिखाया, पढ़ाया, उनके जनाजे हमने पढ़े, कितने ख्वाजा सराओं के अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी इसी तरह ही है जिस तरह के आम अमूमी लोग होते हैं, लेकिन चूँकि माशरे में इन लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता, अपने बहन भाई भी इन लोगों को अच्छा नहीं महसूस करते कि ये बताइए क्या निकल आया हमारे घर में, ये कैसी तबीयत का हमारा बच्चा, ये बेटा कैसा हो गया, तो लोग क्या कहेंगे, इस वजह से ना फिर लोग जो है ना उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की मेहनत से और मदरसे की खिदमत और दीनी तक दीनी मेहनत से बहुत से ख्वाजा सरा माशाल्लाह दाढ़ियाँ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़े और तहज्जुद गुजार हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम उसी के बंदे हैं, मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है, लोग इन्हें क्यों अच्छा नहीं समझते? मतलब कि एक अल्लाह की मखलूक है और फिर उसके अलावा अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में से लोग नक्स निकालना शुरू कर देते हैं, लोग उन्हें इंसान की नज़रों से नहीं देखते, ऐसा क्यों है? बस असल में माशरे में एक अजीब सी कैफियत होती है ना कि ये होते लड़के लड़कों की तरह, लेकिन हरकतों सकनात औरतों जैसी होती हैं, तो फिर सब लोग कहते हैं पता ये ख्वाजा सरा है, हिजरा है, खुसरा, इस तरह करके उनको कहते हैं, तो फिर जाहिर वो बुरी बात तो सबको लगती है। कोई भाई नहीं चाहता कि उसके भाई को कोई ख्वाजा सरा कहे, कोई बहन नहीं चाहती कि उसके भाई को कोई ख्वाजा सरा, कोई माँ कोई, लेकिन एक तबीयत ऐसी होती है, तो सारे माशरे में लोग इसको इतना तंग, और माशरा यकीन करें ख्वाजा सरा हमने जहाँ भी देखे ना लोगों ने उनको तंग किया, कई तो मस्जिदों में नहीं घुसने देते। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुनिया का पहला मदरसा अल्लाह पाक ने अता किया, मस्जिद हमारी अपनी अब तो, लेकिन अक्सर ऐसे होता था कि लोग ख्वाजा सराओं को मस्जिद से कहते नहीं नहीं तुम चलो 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 चलो, पता नहीं आपको क्या किस वजह से कि लोग जारे वो लेडीज लिबास पहनना है या बाल लंबे हैं, किस वजह से लोग अच्छा लोग कहते नहीं नहीं ये हमारे साथ ना खड़ा हो, लोग उसको हल्का समझते थे यार, उनके डिग्रेड समझते थे, ऐसे था। तो अब माशरे में आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमारे साथी माशा नमाज हैं, चेहरे पे अल्लाह की नबी वाली दाढ़ियां हैं, हाफ़िज़े कुरान हैं और आलिम भी हैं, मैं दिखाने को तैयार हूं हमारे साथी तो बोलो आलिम भी हैं माशाल्लाह, ऐसे भी हैं। मतलब व्यूवर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पता नहीं हमारी कम अकली है, हम लोगों की जाहिलियत है, या हम लोगों को ये सिखाया नहीं गया कि तमाम इंसान बराबर हैं, फिर भी हम लोगों ने वो बराबरी के हकूक नहीं देते, जबकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, हमारी तरह इंसान है, तो हम लोग उन्हें क्यों इंसानों की तरह उनके साथ बिहेव क्यों नहीं करते? आई थिंक ये सब लोगों के लिए लम्हा फिक्री है, सब लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मखलूक पैदा
पैदा की है, अल्लाह पाक ने दुनिया जब बनाई है तो हम लोगों की तरह ही ये लोग इंसान बनाए। ये वो लोग इंसान हैं जो बिना मतलब के दुआएं देते हैं लोगों में, मतलब लोगों के दरमियान खुशियां तकसीम करते हैं, खुशियां छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं। और ये आम हम लोग इंसान एक दूसरे को मतलब के लिए चाहते हैं। इनफैक्ट हम लोग अल्लाह को याद भी मतलब के लिए करते हैं, जब हम लोगों पे मुसीबत आ जाती है फिर अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो मतलब आम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बहुत खुशी से मिलेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। तो आई थिंक इन लोगों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए जैसा हम लोग इनके साथ करते हैं। इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये हम लोगों की तरह इंसान है। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने मस्जिद बनाई है, इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद मदरसा हमारा इकट्ठा है, उसका नाम है उम्मती। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम समझा जाए। हमारी भी साफ ऐसी लगती है जैसे हम बाकी लोगों की लगती है, वैसे जैसे बड़ी मस्जिद अमूमी मस्जिद होती हैं तो हमारी भी अपनी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये मस्जिद इसलिए बनाई कि हमारे जो साथी नमाज नहीं पढ़ते थे, लोग उनको हूटिंग करते थे मस्जिद में, उनको बुरा भला कहते थे, डिग्रेड समझते थे, हल्का समझते थे, उनको पिछली समय भिजवा देते थे। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने हमारे पर करम किया, हमें अपनी मस्जिद दे दी ताकि लोग जो है ना वो ये भी नमाज पढ़ सकें। जो अब माशाल्लाह कितने कई सालों से एक ख्वाजा सरा हमारे पास आए, बड़े उनके बड़ा नाम है, इज्जत भी है माशाल्लाह ने दी उनको, और अल्लाह वाले भी हैं। मुझे मेरे हमारे ना जब हमारी मस्जिद बनी है, जो मदरसा बना हमारा उम्मती के नाम का, तो मुझे आके जब उन्होंने जुम्मा पढ़ा, कहने लगे मैंने 37 साल बाद जुम्मा पढ़ा है। 37 साल बाद जुम्मा, वो भी जब आपने मस्जिद बनाई उस वक्त? मस्जिद बनाई जो, तो वो कहने लगे कि मैंने, और रोए इतना कहने लगे मैंने 37 साल बाद जुम्मा पढ़ा। बचपन में कहीं पढ़ा होगा ना, तो बुरे हो गए तो लोग नहीं था, लोग तंग करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक ने ये भी इज्जत ना अल्लाह की तरफ से है। तो हम भी उम्मती हैं हजूर की उम्मती, जैसे एक डॉक्टर उम्मती है और जैसे एक औरत उम्मती है और कोई दुनिया के शोबे वाला कोई ताजर उम्मती है, तो ये शोबे ये हजूर की उम्मती हैं। आज इनके ऊपर मेहनत की जरूरत है, इनको इज्जत दें, इनको इज्जत की निगाह से कि इनको नमाज का कहीं, इनको नमाजी बनाने की मेहनत करें, इनको कोई अच्छी बात बता दें। मिसाल के तौर पे आप इनको एक बार कलमा इनका सही कर दें, इनको गुस्सल सिखा दें। यकीन करें लोगों ने इनको ऐसे समझते हुए ना, लोगों ने इनसे कभी दीन की बात नहीं की कि यार ये भी दीन सीखना चाहते हैं। ये तो अल्लाह पाक का करम हुआ कि हमारे मदरसे में 2 टाइम क्लास हो रही, कुरान की क्लासेज आ रही हैं। हमारे उस्ताद कारी नबी साहब हमें पढ़ा रहे हो, 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें अजर अता करे इस चीज़ का, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाजरीन इस वक्त मेरे साथ आलमा फाजला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ख्वाजा सराओं की कि उन्होंने किस मदरसे से ये आलमा फाजला का कोर्स किया और क्या क्या उनकी हॉबीज़ हैं, और इस वक्त रमज़ान चल रहा है, उनका रमज़ान कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनम नाम है मेरा, सैयद अनम जी। सैयद अनम, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप आलमा फाजला हैं माशाल्लाह, तो किस मदरसे से आपने ये किया? मैंने ये बिनात का मदरसा तुलबिनात है, वहाँ से मैंने ये तकरीबन तकमील की है मदरसे की, और साथ अरबी कोर्सेज भी किए और साथ तर्जमा कुरान पाक पढ़ा, और 5-6 साल जो है वो बिनात के मदारिस में पढ़ाए मुख्तलिफ मदारिस के अंदर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने घर। अच्छा इस वक्त आप पढ़ा रही हैं? हाँ जी, स्कूलों में भी टीचिंग की है, वैसे मदारिस में भी दी रही हूँ, बिनात के मदारिस में और इस तरह ख्वाजा सराओं के मदरसे में पढ़ा रही हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी कोई सिस्टम, क्योंकि इस वक्त तो कोरोना है ना, लॉकडाउन की वजह से सिस्टम काफी जरा स्पॉइल सा हुआ है। जो है वो इंडोर ही है, ताकि कि हम ऑनलाइन ही में कर रही हूँ, कोशिश मेरी है कि ऑनलाइन जो है रास्ते में सबसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, और इसी तरीके से बल्कि टिकटॉक भी मैं इस किस्म की छोटी सी बना के भेजती हूँ, छोटे छोटे कर दीन फैला रही हैं। कोशिश है मेरी इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि मैं इसमें इस्तेमाल हो जाऊँ। आमीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन की वजह से आपके जो कारोबार हैं, बिजनेस है, उस पर भी इफेक्ट हुआ है? हाँ जी, जाहिर सी बात है बिल्कुल, वो तो जेनुअली मतलब ये है कि जितना पहले था सिचुएशन जो है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ब खुद कहीं ना कहीं ज़राए से, क्योंकि कुरान का फैसला मैं ये तकिल्ला है जल्लो मखरजा, अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल देता है, आसानियाँ पैदा कर देता है। तो इंशाल्लाह मेरा तो ये ईमान है कि इंशाल्लाह जब आप अल्लाह के लिए कोशिश करें तो खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा इस वक्त रमज़ान है, रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, मौसम भी पीछे तो अच्छा था और माशाल्लाह किसी किस्म का कोई ऐसा फील नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े अच्छे गए हैं माशाल्लाह, सभी खैरियत से। अच्छा गवर्नमेंट का आपके साथ कैसा ताबुन है? गवर्नमेंट से थोड़ी सी शिकायत है नादरा के सिलसिले में, शनाती आईडी कार्ड वगैरह के मसले में, काफ़ी मुझे रमज़ान में भी 2-4 दफ़ा चक्कर मेरे लगते रहे हैं, लेकिन वो इसकी थोड़ी सी हमें इस पर इसकी थोड़ी सी कंप्लेंट है हमारी। अच्छा।
अल्लाह करे कि ये हमारा मसला हल हो जाए, हालांकि देखें कि हमारे पास जो कवानीन मौजूद हैं सारे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो कवानीन का इम्प्लीमेंट हो तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रमज़ान माशाल्लाह आपका अच्छा गुजर रहा है, तो इसके साथ जो लोगों का आपके साथ बिहेवियर होता है उस हवाले से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? बस ये हर एक अपने ज़र्फ की बात है, जो अच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे ही रहना है, लेकिन जिनका ज़र्फ कम होगा उन्होंने वैसे ही करना जैसे, तो ये हर इंसान के अपना बिहेवियर उसके अपनी नेचर को ही शो करता है। हाँ जी, हमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई नहीं होता, ज़्यादा लोग अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा की मोहब्बत हमें मिलती है। आप लोग भी तो मोहब्बत बांटते हैं ना, इसलिए आपको मोहब्बत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सोसाइटी में बहुत अब चेंज आ गई है और माशाल्लाह हर एक जो है ना वो इन चीज़ों को रियलाइज़ कर चुका है कि ये हकीकत हैं, हकीकत है, इसको रियलाइज़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फिजा खान है। फिजा मुझे ये बताएं कि रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ तंगी भी है कोरोना की वजह से, और बाकी तो माशाल्लाह जैसे जाता है सबका वैसे ही अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। अच्छा इस वक्त यहाँ पे साथी फाउंडेशन भी एक चल रही है, रन हो रही है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके? बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प आउट करती हैं ख्वाजा सराओं पे मैडम जो लैला नास हैं, ठीक है, हम उनके सब शुक्र गुजार हैं कि वो हम लोगों का बहुत ही ख्याल रखती हैं और हर हवाले से ख्याल रखती हैं। ईद हो गई, कोई शबरात हो गई, मसलन के कोई भी इवेंट है तो वो सारा करती हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ईद की तैयारियां कैसी जाती हैं आपकी, मतलब कैसी तैयारी करते हैं आप लोग, मज़ा आता है? हाँ मज़ा तो आता है, लेकिन दुख भी होता है थोड़ा सा, फैमिली मेंबर्स फैमिली की वजह से कुछ, और बाकी जो फैमिली की कमियां हमारे गुरु पूरा कर देते हैं। अब ऑब्वियसली उन्होंने आपको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, बहुत आपकी हेल्प आउट करते हैं, आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, अल्लाह पाक उन्हें इनका अजर देंगे। तो अच्छा इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, आपके कारोबार पर काफ़ी इफेक्ट हुआ होगा? हाँ जी, कारोबार पर तो जाहिर सी बात है इफेक्ट हुआ है, हर हमारे नहीं हुआ है, हर कारोबार पर हुआ है, कोई भी कारोबार है, क्योंकि लॉकडाउन है, अल्लाह पाक ये कोरोना ख़त्म कर दे, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक ये जड़ से ही कोरोना ख़त्म कर दे। दुनिया तो काफ़ी परेशान है, इवन कि हम ही नहीं, हम ख्वाजा सराय नहीं, लेडीज़ भी जेंट्स भी सब परेशान हैं, कि बच्चे इवन के बच्चे तक परेशान हैं, बाहर निकलना, स्कूल बंद, काफ़ी कुछ देख के ऐसे तो कभी हमने देखा नहीं था जो अब हम आके देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी होगी और सब अगर दुआ करें मिल के, मुसलमान हैं, रोज़े रख रहे हैं सारे, इंशाल्लाह सबकी दुआओं से अल्लाह पाक क्या पता सुन ले, हमें बेहतर दुआ करनी चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो जाए। आमीन आमीन। अच्छा आप आवाम से क्या मैसेज, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों का बिहेवियर जो है वो आप इंसान हैं, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, आपको टॉन्च करते हैं, मतलब डिग्रेड करते हैं, उस हवाले से क्या आवाम को कहना चाहेंगी? आवाम को अगर ख्वाजा सराओं की तरफ से कह रहे हैं, ठीक है, तो जो बेसिकली ख्वाजा सरा वर्ल्ड है, ठीक है, ख्वाजा सराओं को बुरा नहीं लगता, ठीक है, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप ख्वाजा सराओ तो मैं कहूँगी जी मैं हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली खुद शनाख्त मूवी में एटम सॉन्ग किया हुआ है, मैं पाकिस्तानी हाँ फर्स्ट शीमेल हूँ जिसने एटम सॉन्ग किया हुआ है पूरी मूवी में, शनाख्त मूवी है, आप निकाल के भी चाहे देख लीजिएगा। तो बाकी रहेगी दुनिया के टॉक्स की बात, तो दुनिया करती रहती है, कोई नहीं, हम लोग फेस करने के लिए बने हुए हैं। नहीं बट ये एक लोगों में वो तरबियत की कमी है ना कि आप उन्हें होना चाहिए कि जैसे वो अपने एक बहन भाइयों की इज्जत करते हैं वैसी हमारी भी इज्जत करें, भाई भाई समझ के करें, बहन समझ के करें, इवन के ख्वाजा सराय कोई भी अगर रूप में है तो उसकी इज्जत करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर यहाँ पे काम करते हुए साथी फाउंडेशन के साथ कितनी देर हो गई आपको? मुझे मैक्सिमम अरसा तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ अपने काम में, कुछ फंक्शंस में, कुछ और अपनी एक्टिविटीज़ जो थी उसकी वजह से मैं पहले टाइम नहीं दे पा रही थी, अभी मुसलसल जो ज्वाइन किया है 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल तो कैसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, लोगों में लोगों की हेल्प आउट की जा रही है, बैग्स वगैरह राशन के तकसीम किए जा रहे हैं?
जी वैसे तो हमारे साथी फाउंडेशन का जो मकसद है वो हेल्थ के ऊपर है, ख्वाजा सराओं के लिए, मतलब जो उनकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं जिसमें HIV और हेपेटाइटिस मजीद इस तरह की बेशुमार जो बीमारियां हैं वो अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उनके लिए हमारा साथी फाउंडेशन जो है ना इस बेस पे काम कर रहा है। तो उसके चलते चूँकि वो हम ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के लिए हेल्थ पर काम कर रहे हैं, तो हमसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रबता करते हैं जो राशन की सूरत में, पैसों की सूरत में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि भी अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को आप ये दें। तो जब कभी कोई ऐसा होता है, माह रमज़ान का महीना आता है या COVID-19 जैसे वो अभी आपके सामने जो महामारी आई हुई है उसकी वजह से काफ़ी लोगों के हालात, हमारा तबका तो पहले ही ऑलरेडी पिसा हुआ है, तो उनको तो अपना रोज़गार कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना ऑलरेडी था। तो COVID-19 के दरमियान काफ़ी चीज़ें जो थी मुश्किल सामने आई, तो हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हमारी कम्यूनिटी के लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको अमाउंट की सूरत में उनको डिस्ट्रीब्यूशन उनकी की, हेल्थ के लिए उनके लिए काम किया है माशाल्लाह। सर मैं ये चाहूँगी कि जो आपके साथ साथी फाउंडेशन में शरीक हुए हैं, जिन जिन लोगों ने ये नेक काम किया, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तो रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें ये सआदत महसूस मिली है कि हम रमज़ान शरीफ गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, हिम्मत दे बेशुमार रमज़ान के रोज़े रखने का, उसको सेलिब्रेट करने का, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान है। अच्छा, जिस तरह की आपकी फर्स्ट मतलब मदरसा बना है, मस्जिद बनी है, तो कैसा फील हो रहा है, मतलब नमाज पढ़ना और वो सारी चीज़ें? जहाँ तक मदरसे की बात है तो ये तो एक जैसे मैजिक हो गया, एक जादू हो गया कि एक जो चीज़ कभी किसी के जहन में भी नहीं थी, हाँ इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ख्वाजा सरा और मदरसा और नमाजें दोनों अपोजिट चीज़ें हैं ना। तो इसके चलते अल्लाह ने ऐसी एक बात हमारे ही किसी जेंडर, जो हमारी ट्रांसजेंडर एक हमारी फ्रेंड है दिल्ली के नाम से, उसको पहले हमारी इंडस्ट्री में जाना जाता था, जब से उसको अल्लाह की हिदायत हुई और उसने मौलाना तारिक जमील साहब से रबता करके उनको जी उनके बैत हुए, उन्होंने उनका नाम अबू हुरैरा रखा, यानी कि उसका फील्ड में नाम था बिल्ली और बिल्ली से उनका अबू हुरैरा नाम मौलाना तारिक जमील साहब ने रखा। उसकी वजह ये थी कि अबू हुरैरा जो हमारे मतलब हमारे पैगंबर थे, उनका वो बिल्लियों के बादशाह थे, तो उन्होंने कहा ऐसे आप बिल्लियों के बादशाह हो तो अबू हुरैरा आपका नाम होगा माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जनाया चौधरी। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, लेकिन ये कि चूँकि अब गर्मियों में ज़रा रमज़ान थोड़ा और मतलब अब जिस तरह कोविड भी चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा मसला मसाया रहता है। अच्छा, कोविड की वजह से आपके कारोबार पे भी इफेक्ट हुआ होगा? बिल्कुल, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाए रहे हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट का आपके साथ क्या कोऑपरेट है? गवर्नमेंट का ऐसा हम लोगों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है और ना ही कोई हम लोगों को कोई पैकेजेस वगैरह हों कोई गवर्नमेंट के जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी के लोग हों उन लोगों के साथ, मतलब कहीं पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आया, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना, एक तो रमज़ान भी है, रमज़ान में भी एक चूँकि हम मुस्लिम कंट्री में हैं तो उस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इस चीज़ों को सोचें, देखें, कुछ काम करें। ट्रांसजेंडर के अलावा मतलब ये भी इंसान है हम लोगों की तरह, तो इन लोगों को वो राइट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिल रहा, और ये वाकई एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई रिलीफ नहीं है, तो हुकूमत को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मतलब हम जो कि बातें हम लोग को जो कि सुनने को मिली वो उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की बात अगर करूँ के ख्वाजा सरा के हकूक के बारे में, तो वो भी उस तरह से कहीं पे भी हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आई। और मतलब अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर हम लोग किस तरह से हम लोग कहते हैं कि जी हमारे हकूक हैं, हमारे पास हुए हैं, और हम लोगों ने तो मतलब फिर कुछ भी नहीं ना, कहीं नोटिफिकेशन होती, कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कहीं जॉब्स होती तो फिर मतलब नज़र आता कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी इस तरह से एक्सेप्टेंस आती। और अगर मैं यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम की बात करूँ तो वो भी उस तरह से नहीं है। आपको बिल्कुल एक साइड की वर्ड पे ला के रख दिया है कि आप एक नई दुनिया है, आपके लिए कोई सहूलियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन दैट्स के इमाम साहब ने बताया कि उनके पास एक आए थे एक
ख्वाजा सरात, उन्होंने बताया कि 37 साल बाद उन्होंने नमाज पढ़ी है जुमा पर है। तो मतलब ये एक बहुत अजीब सी, ये मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ, के लोगों की तरबियत, लोगों का नॉलेज, लोगों की स्टडीज, उनकी मतलब उनका माइंड, उनकी मैंटेलिटी कैसी है कि वो इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जिस तरह वो अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, आप लोगों को ऑनर क्यों नहीं देते? तो आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे मतलब आवाम से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग भी उनकी तरह ही हैं। देखें, मर्द हैं, औरत हैं, हम भी उसी तरह ख्वाजा सरा अफराद हैं। तो लोगों से मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि एक्सेप्ट हमें किया जाए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो उस तरह से हम लोग पीछे रहेंगे। लोग कहते हैं कि ये लोग गलत कामों में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, या ये लोग फंक्शंस क्यों करते हैं, बैगिंग क्यों कर रहे होते हैं, तो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोगों ने इन लोगों के लिए क्या किया, क्या सोचा, क्या कहीं पर कुछ जॉब्स दी, या फिर उन्होंने कहीं पर कुछ रखा हो, घर में कुछ रख लिया हो कि घर में कुछ खाना वगैरह पकाने के लिए कहीं पर। तो बातें करना बहुत आसान काम होता है, बट ये कि आप अगर खुद सोचें, कुछ चीज़ों पे इनिशिएटिव लें, तो फिर समझ में आती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि लोगों की मैंटेलिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि वो ये लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। क्यों इस तरह का ये एक हम लोगों ने इमेज बना लिया है कि ये लोग इंसान नहीं है, इन्हें बिल्कुल एक अलग सी दुनिया में ला के रख दिया है। कोई इन्हें सहूलियात नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शंस नहीं है, कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो खुदारा ये चीज़ सोचें कि वो लोग भी इंसान हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें ऑनर दी जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना मतलब के, बिना मकसद के खुशियाँ बांटते हैं, दुआएँ देते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज मुझे प्रोग्राम का बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करके। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज हबीब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।